हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कुछ बेसिक कैलकुलेशंस। जैसे फ्रेंड्स आपको फॉर्मूला भी याद हो गया, मेथड्स भी पता है, पर जब उसको लास्ट में सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मैथ शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपको है 1 to 30 स्क्वायर याद कर लेने हैं, ठीक है, एंड 1 to 20 क्यूब याद कर लेने हैं, एंड 1 to 20 जो है आपको टेबल याद कर लेने हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको रट जाना चाहिए, इसे काफी जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अधिकतर हम कैसे इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं, पहले देखते एडिशन करने के लिए आपको, जैसे कुछ नंबर दे दिए आपको 39 + 42। और फ्रेंड्स एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो पेन और कैलकुलेटर यूज ना करें या कम से कम करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है 39, ये क्या है 42। आप क्या करेंगे, जो 10th प्लेस वाला नंबर है यहाँ पे क्या है 3, यहाँ 4, मतलब 30 एंड 40 ऐड करिए 70 हो गया, फिर 9 और 2 11 कितना हो गया 70 + 11 81 हो गया, ठीक है। अब देखिए ऐसा भी नंबर हुआ 93 + 69, क्या क्या नंबर है 93 + 69, आप क्या करेंगे बने 90 + 60 कितना होता है 150 होता है, 3 + 9 = 12, 150 + 12 कितना हो गया 162। फ्रेंड्स आपको मेंटली सर कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आइए अब कुछ हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, टू डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन देखिए कैसे करेंगे। जिससे आपको कोई नंबर दे दिया 32 + 12, ठीक है, हम इसे लॉन्ग मेथड से ऐसे नहीं करेंगे, हम बस सिंपली क्या करेंगे कि 32 × 2 कितना होता है 64 होता है, 4 लिखा 6 बचा, 32 + 32 + 6 कितना हो गया 38, ठीक है, इकाई में आ गया। अब एक और देखिए, जैसे 12 × 13 देखना आपको, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक काम यहाँ पे और कर सकते हैं, जैसे 3 × 2 = 6 और 12 + 3 = 15, इसमें सबसे कर सकते हैं 12 × 3 = 36, 12 + 1 + 3 = 15, 156, ठीक है। एक और देखिए 39, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ पे हार्ट लग रहा होगा आपको, यहाँ पे क्या करना है 24 × 39 दिया है, अब आपको दिख रहा होगा कि 39 जो है वो नियर बाय किसके है 40 की है, तुम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे 24 × 40 - 1, ठीक है, 24 × 4 कितना होगा 96, ये कितना हो गया 960 हो गया, 960 - 24 कितना होगा 940, 940 + 4 = 936, ठीक है। आपको अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग अप्रोच लगाने जाएंगे, या आप ये भी अप्रोच लगा सकते हैं आज का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या है, जब भी कैलकुलेशन आए तो कैलकुलेटर यूज ना करें, मेंटली सॉल्व करें। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें कई बार स्क्वायर निकाल जाते हैं, हमें स्क्वायर याद नहीं रहते हैं, जैसे हमको निकालना होगा 34 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे आप, देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा 1 + b² होल स्क्वायर, यहाँ क्या होता है a² + 2ab + b² वही क्या यहाँ भी करना आपको 34 का होल स्क्वायर, हम क्या करेंगे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 16, बोलो बच्चा, फिर 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 + 1 = 25, 2 + 3 = 9 + 2 = 11,
ठीक है फ्रेंड्स, एक और देखिए यहां पर इसे 46 आ गया। अब क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर 6 6 से 36 3 बचा, ठीक है। नाउ 6 4 जा 24, 24 2 जा 48। अब इसको ऐड करेंगे, 48 प्लस 3 कितना हुआ, 51। 5 बचा, 4 4 सा 16, 16 प्लस 5 21। ओके फ्रेंड्स, इस तरह आपको करने हैं। देखिए एक वो अप्रोच होगी, अप्रोच पर सब नोट करती रहेगी। अब एक अप्रोच देखिए, अगर कुछ नंबर्स जो है उसका यूनिट डिट जो है अगर वो 5 है, लास्ट में क्या है 5 है, तो सिंपली हमें क्या करना है, एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे एग्जांपल दे दिया आपको 45, तो क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर 25, हमेशा लास्ट में 25 आएगा, ठीक है। और जो ये नंबर है डेसिमल के प्लेस पर, सॉरी 10th के प्लेस पर नंबर है, उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप 4 लिखा है तो 4 * 4 + 1 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। एक और देखिए 65 पे, इसमें क्या है यूनिट डिट जो है वो 5 है, तो क्या करेंगे अभी 25, 6 में 1 ऐड किया 7, 7 6 से जा 42। यहां पे क्या दिख रहा है आपको, आपको कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ रहा है, अपने नंबर देखा और नंबर देख के बता दिया कि इसका स्क्वायर क्या होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 95, आप बताइए क्या 25 और 9 का प्लस 1 10, 10 into 9 90, ओके। इस तरह अप्रोच लगाने आपको, इस अप्रोच को करिए, ठीक है। अब एक और आते हैं, अगर कोई नंबर जो है वो 50 के पास का है, मतलब 50 से पहले, मतलब कुछ नियर बाई, जैसे 45, 52, 47, 53, इस टाइप के कुछ नंबर्स हैं। जैसे मैं कोई नंबर लेते हैं 47, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। 47 हमने नंबर लिया, एक हम बेस नंबर लेते हैं यहाँ पे 25, इसी से हमें काम करना है। अब क्या लिखा है यहाँ पे 47, अब ध्यान दीजिए 47 जो है वो 50 से कितना कम है, कितना कम है 3 कम है, तो जितना कम है उसको हम करेंगे क्या, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 47 जो है 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 कम ने स्क्वायर किया, कितना कम है 3 कम है, तो जितना कम है 25 में से उतना माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2209। लेसन में एक और ट्राई करते हैं, अब लेते हैं मोर देन 50, जैसे हमारा नंबर हो गया 52, यहां पे क्या करेंगे, यहां देखते हैं कि 52 जो है इसका है वह ज्यादा है 50 से, कितना 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक, कितना ज्यादा है 2, तो जितना ज्यादा उतना ऐड करेंगे, 2 ऐड कर दिया, जितना कम उतना कम करेंगे, जितना ज्यादा उतना ज्यादा करेंगे। यहां पर एक और समझते हैं 49, आप बताइए अब कितना कम है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 3 लिखना है इसलिए 0 लगा देते हैं 0 1, कितना कम है 1, तो 49 माइनस 1 48, ठीक है। एक और समझिए, क्या ले लेते हैं 62 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 कितना कितना अधिक है, अधिक लग रहा है ना, 13 अधिक लग रहा है आपको 13, तो क्या करेंगे 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169, तुम क्या लिखेंगे यहाँ पे 69 लिखेंगे, क्योंकि 2 प्लस 3 लिखने हैं, वन कैरी करने के। अब कितना ज्यादा है 13, 63 प्लस 13 76 प्लस 1 77, कुछ इजी हो रहा है, दिमाग में आ रहा है, इसको आप दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, नहीं समझा वीडियो दोबारा देखिए फिर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब एक अप्रोच और देखते हैं, कौन सा, जो आपके 100 के नियर बाई का होगा, ठीक है, वहां पे क्या करना है, जैसे हमने एक नंबर लिया 96, ध्यान दीजिएगा
तो ये देखना हमें ये 100 से कितना कम है, कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 60, गुड। अब कितना कम है, 4 कम है, तो 96 माइनस 4 92, वेरी गुड। नाउ 105, यहाँ पे दो अप्रोच कर सकता है आपका, एक 5 वाला एक ये वाला, इससे समझाते हैं आपको कितना अधिक है, 5 का स्क्वायर 25, कितना अधिक है, 5 105 + 5 110, क्या अप्रोच हो गया पहले वाले से, 5 है तो 25 कर दिया, 10 + 1 = 11, 11 × 10, ठीक है, दोनों से आंसर हो गया आपका, जो आपको इजी लगे, जैसा आपका नंबर हो वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 91, नाउ अब बताइए कितना कम है, 9 का स्क्वायर 81, कितना कम है, 9 91 - 9, गुड, 82, ठीक है, बहुत अच्छे। ये क्या हो गए, ये सारे स्क्वायर्स हो गए, हमने क्या सीखा, स्क्वायर सीखा, ठीक है। अब सीखते हैं अगर मल्टीप्लाई करना हो 100 से कोई आसपास का नंबर हो, जैसे 96 × 97 ऐसा कोई नंबर है, तो यहाँ पे आप दो अप्रोच और लगा सकते हैं। पहला अप्रोच क्या है, देखिए मतलब क्या किया हमने, 96 का स्क्वायर लेंगे उसमें 1 ऐड करेंगे, चलिए करके देखते हैं तरीका। 96 100 से कितना कम है, 4 का स्क्वायर 16, ओके, कितना कम है, 4 96 - 4 92, अभी क्या करेंगे, प्लस 96 और ऐड कर देंगे, ऐड कर लीजिए 2, ओके, 10 + 1 = 11, 10, ओके, नाउ कितना हो गया। अब दूसरा अप्रोच क्या था हमारा, देखते हैं हमने दो नंबर लिखते हैं 96 और 97, 96 100 से कितना कम है बताइए, 4 कम है, गुड, 04 लिख दिया क्योंकि 2 प्लस का लिखना हमें, और 97 कितना कम है 100 से, 3, ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ दोनों कम है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, कितना कम हो गया, 4 × 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 12, ओके, नाउ अब या तो इसमें से ये माइनस करिए, इसमें से ये दोनों रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, 96 - 3 93, ओके, यहाँ कुछ जल्दी गलती हो गया था इस टाइम, इसमें वन कट गया था ना, तो 93 हो गया, ठीक है, देखिए 6 6 12 11 1, और ये 92 + 1 93, ठीक है, ये हो गया। अब नोट करते जाइएगा उसको। अब एक और एग्जांपल देखिए, अब ये 100 से अधिक है, 182 × 107 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करना नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे आप नहीं मन करेगा, ओके, यहाँ देखिए 100 से कितना अधिक है, 2, ये कितना अधिक है, 7, पॉजिटिव हो जाएंगे, 7 × 2 = 14, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये सब क्या है, अधिक है ना, क्या इसमें ये ऐड करिए, इसमें ऐड करिए, दोनों में रिजल्ट क्या आएगा, 109 ही आएगा, ठीक है। देखिए जितना जो कम हो वो माइनस करेंगे, जो अधिक हो उसको प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या था, अधिक का 7 तुमने प्लस किया। अब देखिए एक और एग्जाम्पल, 99 लिख दिया, एक 107 लिख दिया, ओके, अब देखिए एक कम है, बेसी है, कितना कम है, ये माइनस वाला है, कितना अधिक है, 7, ये प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस कितना होता है, माइनस ही होगा ना, कहते हैं हम माइनस करेंगे, 7 × 1 = 7, 100 - 7 कितना हुआ, कितना हुआ, 100 - 7 93 हुआ ना, 93। अब यहां देखिए
या तो इसमें ये प्लस माइनस करिए या इसमें ये प्लस करिए, हम क्या करते हैं प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस करते हैं, 106 हो गया। ठीक है, एक और देखिए 92 और यहाँ लिख देते हैं 102। ठीक है, ये अधिक है, कितना अधिक है, 2 अधिक है, कितना कम है, 8 कम है, प्लस है माइनस है, माइनस करेंगे 8 2 16, 100 माइनस 16 कितना होता है, कितना होता है 84। अब या तो इसमें से माइनस करिए या फिर ये प्लस करिए, दोनों कंडीशन में कितना आएगा 4 94 आएगा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। ओके फ्रेंड्स, अच्छा लगा आपको, इसलिए इसी तरह को कोई और दिक्कत हो तो हमें जरूर बताइएगा।